दुमका में हमारे संपादक अनूप सोनू मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं दिखाइए। न्यूज 11 भारत की टीम इस वक्त दुमका के पुलिस परेड ग्राउंड में है, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां बिल्कुल चरम पर है। जो भी तैयारियां बाकी हैं उसको पूरा करने में तकरीबन 50 से ज्यादा मजदूर ग्राउंड पर और तकरीबन उतने ही मजदूर झांकियों पर अपनी मेहनत आजमा रहे हैं। झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, मंच को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं कि यह है वो मुख्य ग्राउंड जहां पर कल इस समारोह का आयोजन होगा, झंडोत्तोलन होगा उस मुख्य मंच से। बीच में आपको वो मंच दिखाई दे रहा है, वो इस मुख्य समारोह का मुख्य मंच होगा। बाईं ओर पत्रकार दीर्घा और भी कई दीर्घाएं होंगी, और दाहिनी ओर आप जो देख पा रहे हैं उधर अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है, और जो ग्राउंड के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई हुई है, इस बैरिकेडिंग के बाहर आम जनता होगी, दुमका के लोग होंगे, जो उपराजधानी में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियां ले सकेंगे। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान हर चीजों की ताकीद की गई है, हर चीजों को एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है। यह भी अपील की जा रही है कि जो लोग भी इस समारोह में आए वो कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें। इसके लिए कल वॉलंटियर्स भी रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उसकी पालना हो सके। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक टेम्पररी पाथ बनाया गया है इस ग्राउंड के चारों तरफ रेक्टेंगल शेप में। मुख्य मंच से जो परेड की सलामी लेने वाली जीप होगी, जो शाही जीप होगी, कल उस पर सीएम सवार होंगे और इसी पाथ से जनता से भी मुखातिब होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इस महामारी के दौर में भी हमारा यह राष्ट्रीय पर्व कम से कम उत्साह का संदेश दे, गर्व का संदेश दे, इसके लिए विभागों की ओर से झांकियां बनाई जा रही हैं। हम आपको ले चलते हैं झांकियों की तरफ। कुल 12 झांकियां कल प्रदर्शित होंगी इस ग्राउंड में। विभागवार झांकियों का कुछ विवरण मैं देना चाहूंगा। ये खादी ग्रामोद्योग की झांकी है। इस झांकी में स्वदेशी का संदेश छिपा हुआ है। आप देख सकते हैं बापू की मूर्त तैयार की गई है और उस मूर्त को अभी मूर्त रूप दिया जा रहा है। गांधी जी की, हमारे बापू की जो पहचान है, उस पहचान को अभी उन पर फिक्स किया जा रहा है। चश्मा जो है वो बापू की हमारे पहचान है। हथकरघा है, हालांकि अभी हथकरघे की जो का जो फीता होता है, जो चेन होती है, वो अभी सूत काटने वाली चेन वो नहीं लगाई गई है। उनके ठीक नीचे बापू के तीन मंदिर दिख रहे हैं जो संदेश देते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। एक खास चीज अभी देखने को मिल रही है, अभी झांकी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, लेकिन ये बड़े बड़े बोतल के शेप में, शीशियों की शेप में, शैशे जिसको बोल सकते हैं, उनकी शेप में कुछ चीजें बनाई गई हैं। देख के आप अंदाजा लगाइएगा क्या है। झारखंड खादी का लोगो लगा हुआ है, बाय प्योर नेचुरल्स मिक्स अचार, मतलब कि जो खादी ग्राम उद्योग है अब वो आगे बढ़कर कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाएगी, बना रही है, बाकायदा बना रही है। चूंकि कोरोना काल है तो नीम तुलसी का हैंड सैनिटाइजर भी खादी ग्राम उद्योग की तरफ से बन रहा है, नींबू अचार, आमला भृंगराज का शैंपू भी है। तो ये प्रोडक्ट्स को दिखाया जा रहा है झांकी के माध्यम से। ये दुमका पुलिस ने महिला सशक्तिकरण और हेल्पलाइन को लेकर एक झांकी तैयार की है जो प्रदर्शित की जाएगी कल। इसके पीछे हालांकि बिना अभी सजावट के, जब तक फिक्शन तैयार नहीं होगा तब तक संदेश बाहर निकल कर नहीं आएगा, लेकिन टेबल्स पे 181 वुमेन हेल्पलाइन लिखा हुआ है। इससे साफ जाहिर है महिला सशक्तिकरण और वुमेन हेल्पलाइन को दर्शाया जाएगा कि दुमका पुलिस महिलाओं की सुरक्षा में किस तरीके से तत्पर है।
झारखंड शिक्षा परियोजना दुमका की भी एक झांकी है। मैं अपने सहयोगी को चाहूंगा कि जरा मेरे साथ आए। ये खूबसूरत झांकी तैयार हो रही है कोरोना काल में, किस तरीके से जो स्कूल बंद हो गए फिर भी बच्चों की पढ़ाई ग्रामीण इलाकों में कैसे जारी रही, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। घर की दीवारों पर, दीवारों के बाहर ब्लैक बोर्ड बनाया गया और उसी पर बच्चों ने पढ़ाई की। उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर जरमुंडी का मॉडल एक यहाँ पर पेश किया गया है, जहाँ पर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया गया। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी, इस झांकी के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये डब्बे और बाकी बिखरे पड़े सामान ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा इन्हें तैयार होने में। इस तरीके से विभागवार 12 झांकियां निकाली जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी तैयार हो रही है, उसको उसकी सज्जा फूलों से की जा रही है। मालाकार तत्पर होकर फूल की मालाएं संजो रहे हैं, पिरो रहे हैं। जाहिर सी बात है थीम अभी आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ झांकी नहीं है, एक प्रतिस्पर्धा भी है। इन झांकियों को पुरस्कृत भी किया जाना है। उस झांकी के ऊपर कुछ स्टैचूज बनाए गए हैं, कुछ कारीगर भी खड़े हैं। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था कि पता नहीं चल रहा है कि वो स्टैचू है या जिंदा आदमी। तभी उसमें से दो लोग हिले और उन्होंने बताया कि हम जिंदा हैं, लेकिन ये स्टैचूज हैं। ये स्टैचूज भी कल कुछ ना कुछ संदेश जरूर देंगे। उसी तरीके से ये झांकी आप देख सकते हैं, महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग की झांकी है। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, महिलाओं को कैसे साक्षर किया जाए, बच्चियों को कैसे आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार दिया जा रहा है, विभाग क्या काम कर रहा है, परिवहन विभाग की ये झांकी। तो इस तरीके से झांकियां सज कर तैयार हैं। कल इन झांकियों का प्रदर्शन होगा, दुमका और दुमका के आसपास के लोग और टीवी पर बैठ के पूरे झारखंड देश दुनिया के लोग दुमका की आन बान शान को कल इस ग्राउंड से देखेंगे और गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व के हिस्सेदार बनेंगे। सहयोगी सुशील के साथ अनूप सोनू, न्यूज 11 भारत, दुमका। तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें उन तैयारियों की है जो दुमका में कल नजर आएगा। अमर शहीद, ये अमर शहीद स्मारक है जिसे सजाया गया है। आप देखिए इन तस्वीरों को, दुमका से ये सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। दुमका की ये तस्वीरें कल यहीं पर इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से आपको कल की पैरेड भी हम दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली न्यूज 11 भारत पर। ये तस्वीरें दुमका के उन ग्राउंड से, उस ग्राउंड से जहां पर 26 जनवरी का कार्यक्रम होने वाला है दुमका में, और ये वो गाड़ी जिस गाड़ी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सलामी लेने वाले हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए उस गाड़ी की, जिस गाड़ी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को परेड की सलामी लेंगे। किस कदर सजाया गया है इस गाड़ी को, किस कदर खूबसूरत ये तस्वीरें गणतंत्र उत्सव के तैयारी की, और ये वो मंच जिस मंच से मुख्य कार्यक्रम संचालित होगा।